यूं तो आपने कई तरह के रायते खाए होंगे, लेकिन आज कुछ नया ट्राई करने के लिए बनाएं आलू और अनार का रायता। ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहतमंद भी होता है। चलिए बनाते हैं रायता। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीमा दा स्वाद में। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रायते के लिए सबसे पहले हमने उबला हुआ एक मीडियम आकार का आलू लिया है। इसे हम मीडियम पीसेज में काट लेंगे। यूं तो आप केवल अनार का भी रायता बना सकते हैं, लेकिन आलू मिक्स करने से रायते का स्वाद और बढ़ जाता है और खाने वाला आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। ये मेरी गारंटी है, इसलिए आलू मिक्स करके ये रायता ज़रूर बनाएं। तो आलू हमने काट लिए हैं, इसके पीसेज आपको दिखा देती हूँ। इस तरह के पीसेज आपको करने हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ हमने छोटी कढ़ाई ली है, केवल एक आलू है तलने के लिए, तो हमने ऑयल भी कम डाला है। तो कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है, तो आलू हमने उसमें डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। आलू फ्राई करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ऑयल से प्रॉब्लम है या ऑयल आप खाना नहीं चाहते हो, तो बिना फ्राई किए उबला आलू केवल काट के आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रायते में क्रिस्पी खाना है तो आलू आप इस तरह फ्राई कर लीजिए। दोनों ही आप पर डिपेंड है किस तरह से आप खाना चाहोगे। और देखो आलू क्रिस्पी हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर भी ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और इन्हें ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इनसे रायता बनाएंगे। देखो एकदम क्रिस्पी ब्राउन, और इनको हम ठंडा कर देते हैं। हमने यहाँ 2 कटोरी दही लिया है और इसको अच्छे से फेंट लिया है। एकदम ठंडी दही है और इसमें हम मिक्स करेंगे अनार। अनार के बाद डालेंगे आलू जो हमने फ्राई किया है एकदम क्रिस्पी, और डालेंगे नमक छोटा चम्मच या अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। ये डाली हमने 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये डाला हमने चाट मसाला, और ये डाला भुना हुआ जीरा, और ये हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच चीनी। अगर आपका दही खट्टा है तो आप चीनी ऐड कर सकते हैं। और हमने थोड़ा सा डाल दिया है धनिया, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। रायता बनाने के लिए आपको दही एकदम गाढ़ा नहीं लेना है। अगर आपके पास गाढ़ा दही है तो उसमें पानी या दूध मिला के उसे पतला कर लेना है, तभी रायता अच्छा बनता है और खाने में स्वादिष्ट लगता है, और रायता खाने का मज़ा भी तभी आता है। आप देख सकते हैं रायते की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। और अगर आपको गाढ़ा खाना पसंद है तो आप उस तरह का बना सकते हैं। और ऊपर से हमने गार्निश के लिए डाल दिए थोड़े से अनार के दाने और चिली फ्लेक्स, और गार्निश कर दिया है पुदीने की पत्ती से। देखो कितना शानदार लग रहा है, और ये खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होने वाला है। आपके घर अगर रिश्तेदार आते हैं और आप ये रायता उनके लिए बनाते हैं तो आपकी खातिरदारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो फटाफट से ये रायता बनाइए और खिलाइए। मेरी रेसिपी आज अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।